रीवा की सिमरिया सीट पर छिड़ चुकी है चुनावी जंग। रण के मैदान में आमने सामने है खेती और अभय। इन दोनों के बीच में चलता है 36 का आंकड़ा। एक ही दिन में दोनों ने नामांकन दाखिल कर ठोकी है ताल। अभय और केपी दोनों ने किया है अपनी अपनी जीत का दावा। मीडिया के सामने दोनों ने एक दूसरे पर जमकर बोला है धावा। किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज और किसे मिलेगी हार की माला, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर सबसे हॉट सीट बनी रीवा की सिमरिया विधानसभा सीट के दो प्रमुख उम्मीदवारों ने आज अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दावेदारी सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस से अभय मिश्रा तो भाजपा से केपी त्रिपाठी ने आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बता दें कि सीट से दोनों कैंडिडेटों के बीच राजनीतिक द्वेष के कारण 36 का आंकड़ा रहता है और यही वजह है कि सिमरिया सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। आज नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए दोनों ही नेता अपने अपने समर्थकों लाओ लश्कर के साथ पहुंचे थे। दोनों ने मीडिया के सामने न सिर्फ चुनाव लड़ने का वजह बताई बल्कि एक दूसरे पर भी जमकर धावा बोला। अभय मिश्रा ने कहा कि सिमरिया में परिवर्तन की मांग है। उन्होंने क्षेत्रीय मुहावरे के अंदाज में कहा कि 20 साल हो गए एक ही चटनी खाते खाते, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि रोटी पलटी नहीं गई, इस बार रोटी पलटी जा रही है, बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम उसके हिस्सेदार बनेंगे। अभय मिश्रा ने कहा कि इस बार सिमरिया भय और भ्रष्टाचार से मुक्त होगी और विकास की धारा बहेगी। जाते जाते अभय ने अपनी और कांग्रेस की जीत भी सुनिश्चित बताई। इस बार सिमरिया में भय भ्रष्टाचार से मुक्ति होगी, भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति और विकास की नई धारा बहेगी। कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, उसके हम लोग हिस्सेदार बने। यहाँ काफी विवाद की स्थिति रही है आपके कार्यकाल में भी और अभी पंचवर्षीय। नहीं, मेरे कार्यकाल में कभी कोई विवाद नहीं हुआ और वर्तमान में सब कुछ है। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है, कोई डाल डाल तो कोई पात पात, परिणाम पता है। सात प्रतिशत जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बन गई। 20 साल हो गए हैं एक ही चटनी खाते खाते, कहे घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि पलटी नहीं गई, इस बार पलटा, रोटी पलटी जा रही है, बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम उसके हिस्सेदार बने। इधर भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने भी दम्भ भरते हुए चुनाव के मैदान में ताल ठोक दी है और नामांकन पर्चा दाखिल कर सिमरिया से अपनी दावेदारी भी सुनिश्चित कर दी है। केपी ने अभय की तुलना उछल कूद करने वाले बंदर और रंग बदलने वाले गिरगिट से की। उन्होंने कहा कि अभय मिश्रा ने 2 माह में ऐसी उछल कूद मचाई और ऐसे रंग बदले कि उन्हें देखकर गिरगिट भी आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। केपी त्रिपाठी ने भाजपा की जीत भारी अंतर से सुनिश्चित बताई है। केपी ने मीडिया के सामने विधायक रहते हुए सिमरिया क्षेत्र में किए गए कार्यों को भी गिनाया। जिस तरह से पूर्व विधायक पिछले 2-3 महीनों में बंदर की तरह उछल कूद किए, गिरगिटों ने आत्महत्या करने का मन बना लिया है उनका रंग बदलना देखकर, ऐसे चरित्र के लोगों को सिमरिया की जनता और रीवा की जनता सबक सिखाएगी। सिमरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुनः भारी अंतर से विजय सुनिश्चित है। हम सिमरिया को भारी अंतर के मार्जिन से पुनः जीतने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जली रोटी इस बार पलटी जाएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी। जली रोटी वो स्वयं है, उनको पलट दिया गया है। पहले पैराशूट लैंडिंग की तरह आए हैं क्या, उसी तरह उड़ जाएंगे क्या, इस तरह पैराशूट लैंडिंग करके आए हैं वो चुनाव लड़ने?
अब ये तो निश्चित ही है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे गिरगिटों ने आत्महत्या करने का मन बना लिया है उनका रंग बदलना देखकर, कि अब गिरगिटों की कोई मिसाल नहीं देगा, उनकी कोई बकत नहीं रह जाएगी। इसलिए जनता उनके चरित्र को बखूबी जानती थी, थोड़ा बहुत जो भी भूला रहा होगा फिर से उन्होंने अपने उछल कूद से याद दिला दिया है। तो यह थे सिमरिया सीट के दो चिर प्रतिद्वंदी प्रत्याशी अभय और केपी, जो कांग्रेस और बीजेपी से चुनाव के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ने आज एक दूसरे के खिलाफ ताल भी ठोक दी है। दो में से जीत किसी एक की होगी और दूसरे को हार मिलेगी, यह तो तय है, लेकिन किसके सिर पर जीत होगी और किसके गले पर हार का माला होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सिमरिया का चुनाव आने वाले दिनों में बेहद ही दिलचस्प होगा, जिसे देखने के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में।